हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, चलिए जानते हैं बास्केटबॉल के मुख्य मुख्य मेजरमेंट्स के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि बास्केटबॉल के जन्मदाता जो हैं डॉक्टर जेम्स स्मिथ अमेरिका के हैं, और 1891 में एक बास्केटबॉल खेल के आविष्कार किए, और उसके बाद विश्व की प्रथम प्रतियोगिता 1892 में हुआ, ठीक है। और जैसा कि विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1932 अमेरिका में हुआ, और भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1950 में हुआ, ठीक है। और बास्केटबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, वो भी पुरुषों का, ठीक है। अब महिलाओं का कब शामिल किया गया ओलंपिक में, तो 1976 के मॉन्ट्रियल कनाडा में। और एशियाई खेलों में शामिल किया गया बास्केटबॉल को 1951 नई दिल्ली भारत, ठीक। तो चलिए जानते हैं मुख्य मुख्य मेजरमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, जो खेल का मैदान होता है बास्केटबॉल, इंडोर खेल भी है, यानी इंडोर के रूप में भी इसको खेला जाता है। तो इंडोर कोर्ट की छत की इसकी ऊंचाई जो होती है 7 मीटर होती है, ठीक है, 7 मीटर होती है। दोस्तों, ये बता दें कि बैडमिंटन के कोर्ट का जो इंडोर खेल के जो छत होता है वो 9 मीटर ऊंचा होता है, और वॉलीबॉल के 12.5 मीटर, ठीक है, इसको भी पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोर्ट की लंबाई इंडोर की छत की तो 7 मीटर हो गया, ठीक है, बास्केटबॉल की, और कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 28.15, ठीक है, यानी 28 मीटर लंबाई हो गया और 15 मीटर चौड़ाई हो गया इसका। लाइन की मोटाई, यानी जितनी भी मार्किंग किया गया है बास्केटबॉल गेम्स में कोर्ट बनाने के लिए, तो उसमें लाइन की जो मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और मध्य लाइन साइड लाइन से 15 सेंटीमीटर की ओर अधिक निकाली जाती है, जो यानी कि जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन जो है साइड लाइन से 15 सेंटीमीटर दोनों तरफ बाहर निकाली जाती है, और मध्य लाइन पर मध्य वृत्त जो बना हुआ होता है, यानी सेंटर लाइन पर जो वृत्त बना होता है उसका जो अर्धव्यास है वो 1.80 मीटर के अर्धव्यास का होता है, ठीक है। तो मध्य वृत्त जो होता है सेंटर लाइन पर, कितना अर्धव्यास कितना होता है उसका, 1.80 मीटर, ठीक है। फ्री थ्रो लाइन, यानी कोर्ट के दोनों ओर अंदर की ओर फ्री थ्रो लाइन होती है, ठीक है, जो प्रत्येक एंड लाइन से 5.80 मीटर अंदर की ओर होता है, ठीक है, जो 3.60 मीटर लंबी होती है, ठीक है, यानी रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र, ठीक है, यह एंड लाइन से फ्री थ्रो लाइन तक जुड़ा रहता है, यानी जो हमारा एंड लाइन है और जो फ्री थ्रो लाइन है, तो एंड लाइन से फ्री थ्रो लाइन तक एक जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, रेस्ट्रिक्टेड जो क्षेत्र है वो जुड़ा रहता है। तो इसकी लंबाई जो है 5.8 मीटर और चौड़ाई 4.9 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो फ्री थ्रो लाइन कितना हुआ, उसकी लंबाई 3.60 मीटर, और प्रतिबंधित क्षेत्र जो है रेस्ट्रिक्टेड जो एरिया है वो उसकी लंबाई जो है 5.8 मीटर और चौड़ाई 4.9 मीटर होता है, ठीक। नेक्स्ट है बैक बोर्ड, यानी बास्केटबॉल में जो बैक पीछे जो बोर्ड लगा होता है, तो बैक बोर्ड की लंबाई कितनी हुई, 1.80 मीटर, ठीक है, कितना हुआ 1.80 मीटर, चौड़ाई 1.05 मीटर, और मोटाई कितना है बैक बोर्ड की, 3 सेंटीमीटर, ठीक। और बैक बोर्ड पर बने हुए आयताकार, यानी बैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है एक छोटा सा आयताकार दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाई 0.59 मीटर, यानी 0.59 मीटर का मतलब 69 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई जो है 45 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 45 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक। और बोर्डों का निचला सिरा कोर्ट से, जो बैक बोर्ड लगा होता है तो उस बोर्ड का निचला जो सिरा होता है वो जमीन से
कितना यानी कोर्ट से कितना ऊंचाई पर होता है, तो 2.90 मीटर ऊपर होता है जमीन से यानी कोर्ट से। जो बोर्ड होता है, जो उसका निचला बोर्ड का निचला सिरा होता है, वो कितना ऊपर होता है, 2.90 मीटर। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर्डों का निचला सिरा तो आप जान लिए, ठीक है, कितना होता है जमीन से, 2.90 मीटर। ठीक, और रिंग यानी उस जो बीच में बैक बोर्ड पर आयताकार होता है उसी में रिंग होता है। ठीक, और रिंग जो है उसका व्यास जो है 45 सेंटीमीटर होता है। रिंग का व्यास कितना होता है, 45 सेंटीमीटर। रिंग जो है धातु का बना होता है जिसके धातु का व्यास जो है 2 सेंटीमीटर होता है। यानी जो रिंग होता है जिसपे जाली लगी होती है, आप बास्केटबॉल में देखे होंगे, तो रिंग का व्यास 45 सेंटीमीटर हो जाता है। और रिंग जो है धातु का बना होता है जिसके धातु का व्यास कितना हो जाता है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, रिंग जो है बैकबोर्ड से धातु के राड जो कि 15 सेंटीमीटर आगे से वृत्ताकार रूप में होती है। ठीक है, रिंग कैसे होता है, बैकबोर्ड से धातु को राड की बनी होती है जो 15 सेंटीमीटर आगे वृत्ताकार रूप में बनी होती है। ठीक है, बैकबोर्ड से। और फर्श से रिंग यानी कि आप पहले क्या पढ़े, बोर्डों का निचला सिरा कोर्ट से 2.90 मीटर, लेकिन जो रिंग होता है वो निचला सिरा से थोड़ा ऊपर होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्श जो हमारा रिंग होता है, तो रिंग जो है फर्श से कितना ऊंचा होता है, 3.05 मीटर। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज थोड़ा भी मत होइएगा, यदि बोर्डों का निचला सिरा पूछेगा यानी बैक बोर्ड का निचला सिरा तो 2.90 मीटर, अब फर्श से रिंग का ऊंचाई पूछेगा तो 3.05 मीटर। ठीक है, और नेट की लंबाई, जो रिंग पर नेट लगा होता है जिसमें बास्केट डाला जाता है, तो उसकी लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर। नेट की लंबाई कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। पोल की एंड लाइन से दूरी यानी जिस पोल से बैक बोर्ड लगाया जाता है उस पोल की एंड लाइन से कितनी दूरी होती है, 1 मीटर। यानी जो पोल गाड़ा जाता है बैक बोर्ड लगाने के लिए, उस पोल की दूरी जो है इन लाइन से 1 मीटर की होती है। ठीक, और बैक बोर्ड की एंड लाइन से दूरी कितनी होती है, वो पोल तो 1 मीटर की दूरी पर गाड़ा जाता है, बट जो बोर्ड गाड़ने के बाद कितनी दूरी पर आता है एंड लाइन से, 1.20 मीटर। ठीक है, बास्केटबॉल का बॉल, बास्केटबॉल में जो बॉल होता है उसका भार 567 से 650 ग्राम होता है। कितना, 567 से 650 ग्राम। बॉल की परिधि जो होती है 75 से 78 सेंटीमीटर या 74.9 से 78 सेंटीमीटर, दोनों तरह से दे सकता है। और इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं, कुल 12 खिलाड़ी होते हैं जो मैदान में खेलते हैं, 5 और 7 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और खिलाड़ी के जर्सी के नंबर जो है 4 से 15 तक होते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि बास्केटबॉल में खिलाड़ी के जर्सी के नंबर कितने तक अंकित होते हैं, तो 4 से 15 तक। ठीक है, और पीछे का नंबर जो है 20×2 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, और आगे का नंबर जो होता है 10×2 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा। अब बास्केटबॉल में खेल की अवधि कितनी होती है, तो 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट का गेम होता है और उसमें दो हाफ 20-20 मिनट के दो हाफ होते हैं। ठीक, 40 मिनट का गेम होता है और 20-20 मिनट के इसमें दो हाफ होते हैं और एक एक हाफ में दो दो क्वार्टर होते हैं। यानी एक पहला हाफ जो है 20 मिनट का, उसमें 10 2 10 यानी 10 मिनट
गेम होगा, फिर 2 मिनट का अवकाश होगा, फिर 10 मिनट का गेम, ठीक। उसके बाद मध्यांतर 10 मिनट का होगा, फिर दूसरा हाफ 20 मिनट का चालू होगा, उसमें भी 2 क्वार्टर होंगे, 10 2 10, ठीक है। यानी 4 क्वार्टर होते हैं, 10 मिनट, फिर 2 मिनट का अवकाश, फिर 10 मिनट, फिर हाफ होता है, यानी पहला हाफ के मध्य 10 से 15 मिनट का रेस्ट होता है, उसके बाद फिर दूसरा हाफ चालू हो जाता है, यानी 10 2 10, ठीक। तो इस तरह से पूछेगा कि बास्केटबॉल में खेल की अवधि कितनी होती है, 40 मिनट, 40 मिनट नहीं दिया है, यदि 20 20 मिनट का 2 हाफ दिया है, 2 हाफ सही होगा, यदि 4 क्वार्टर दिया है 10 10 मिनट का, तो इस 4 क्वार्टर सही होगा। तो वो क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएगा उस पर डिपेंड करता है, इसलिए आप हर तरह से इसको समझ लीजिए, ठीक है। और इतना होने पर यदि उपरोक्त समय में दोनों टीम बराबर रहती है, यानी दोनों का समान अंक आता है और टाई हो जाता है, तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय का खेल फिर से होता है, ठीक है। अब 5 मिनट का जो अतिरिक्त खेल फिर से होता है, तो उसमें मध्यांतर जो है 2 मिनट का रखा जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि बास्केटबॉल में टाइम आउट कितने दिए जाते हैं। तो पहले हाफ में, बास्केटबॉल में पहले हाफ में जो 20 मिनट का हाफ होता है उसमें 2 टाइम आउट, और दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट, और प्रत्येक टाइम आउट कितने मिनट का होता है, 1 मिनट का, ठीक है। तो कितना टाइम आउट दिया जाता है, पहले हाफ में 2 टाइम आउट और दूसरे हाफ में 3 टाइम आउट, और प्रत्येक टाइम आउट का समय कितना होता है, 1 मिनट, ठीक है। और यदि टाई हो गया मैच, तो टाई होने पर 5 मिनट के अतिरिक्त समय में 1 टाइम आउट 1 मिनट का दिया जाता है प्रत्येक टीम को, ठीक है। तो यदि गेम टाई हो गया, तो 5 मिनट का टाई होने पर अतिरिक्त समय खेला जाता है, ठीक है। तो टाई होने पर अतिरिक्त समय में 1 टाइम आउट दिया जाता है 1 मिनट का प्रत्येक टीम को, ठीक है। और कब दिया जाता है, जब फाउल होने पर या बॉल बाहर चला जाएगा तभी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खिलाड़ी बदलना, ठीक है। इसमें खिलाड़ी जो है बास्केटबॉल में 20 सेकेंड से अधिक समय खिलाड़ी बदलने में नहीं लगना चाहिए, और एक समय में एक से अधिक खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। निर्णायक में कौन कौन होता है, एक रेफरी होता है, 2 अंपायर होता है, 1 स्कोरर होता है, 1 टाइम कीपर होता है, 1 से 24 सेकेंड, 1 24 सेकेंड अंपायर होता है, 1 सहायक स्कोरर होता है, ठीक है। स्कोर में इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं कि 1 पॉइंट अंक कब 1 पॉइंट मिलता है, फ्री थ्रो में बास्केट करने पर 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। फ्री थ्रो पर में लाइन पर बास्केट करने पर कितना मिलता है, 1 पॉइंट, ठीक है। और 2 पॉइंट कब मिलता है, फ्री थ्रो क्षेत्र से बाहर से बास्केट करने पर, ठीक है। फ्री थ्रो क्षेत्र से बाहर से बास्केट करने पर 2 पॉइंट मिलता है। और 3 पॉइंट कब मिलता है, जो इसमें कोर्ट में दिख रहा है एक वृत्त, ठीक है, वृत्त जिसका अर्धव्यास जो होता है वो 6 से 6.75 मीटर होता है, वही एरिया लाइन, उसके लाइन के गोल जो अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त के बाहर से बास्केट करने पर 3 पॉइंट मिलता है, यानी वो जो अर्धवृत्त है वो 3 पॉइंट लाइन है, ठीक है। उसके अंदर से बास्केट करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा, उसके बाहर से बास्केट करेंगे तो 3 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारी गोल एरिया दिखाई दे रहा है, अर्धवृत्त जो दिखाई दे रहा है, अर्धवृत्त जिसका अर्धव्यास 6.75 है मीटर है, तो उस पर बास्केट करने पर 3 पॉइंट मिलता है, ठीक। लाइन टच नहीं होना चाहिए। 3 सेकेंड का नियम, 3 सेकेंड का नियम यानी कि जो एक खिलाड़ी विपरीत टीम के प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 सेकेंड से अधिक बॉल को नहीं रोक सकता है, यानी जो हमारी अपोनेंट टीम है, यानी हमारी विपरीत टीम है, उसके कोर्ट के जो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है उसमें वो खिलाड़ी बॉल लेकर 3 सेकेंड से अधिक नहीं, बॉल को 3 सेकेंड से अधिक नहीं रोक सकता है, ठीक है। 8 सेकेंड का नियम क्या होता है, जिस खिलाड़ी के हाथ में अपने कोर्ट में बॉल हो
उसको वो उसकी टीम को 8 सेकेंड के समय के अंदर विपरीत टीम के कोर्ट में बाल को प्रवेश कराना पड़ता है। यानी कि यानी यदि कोई खिलाड़ी अपने टीम में है बॉल लेकर, ठीक है, या तो उस खिलाड़ी को अपोनेंट टीम में यानी विपरीत टीम में 8 सेकेंड के अंदर क्या करना है, विपरीत टीम के कोर्ट में बाल को पहुंचाना होता है अपने कोर्ट से। अगर बाल लेकर है तो विपरीत टीम में 8 सेकेंड के अंदर उस बाल को पहुंचाना होता है, ठीक है। और 24 सेकेंड का नियम क्या होता है कि यदि जिस टीम के नियंत्रण में बाल हो, किसी टीम के नियंत्रण की टीम के पास बॉल हो, उस टीम के नियंत्रण में हो, तो उसे 24 सेकेंड के अंदर विपरीत टीम पर बास्केट के लिए यानी अंक लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में फाउल, ठीक है। बास्केटबॉल में किसी खिलाड़ी, कोई खिलाड़ी अगर 5 बार वो फाउल करता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। 5 फाउल यदि वो करता है खिलाड़ी तो उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाता है और अतिरिक्त खिलाड़ी में से किसी को अंदर 30 सेकेंड के अंदर आना होता है, ठीक। यानी एक खिलाड़ी के 5 फाउल होने पर उसे बाहर करना किया जाता है और 30 सेकेंड के अंदर अतिरिक्त खिलाड़ी में से किसी को अंदर लाया जाता है। और यदि टीम में, एक टीम में 5 फाउल होने पर क्या होता है, फ्री थ्रो दिया जाता है। और इसमें उपकरण क्या क्या होते हैं, स्टॉप वॉच तथा गेम क्लॉक, 24 सेकेंड यंत्र, स्कोर बोर्ड, स्कोर सीट या खिलाड़ियों की फाउल को दर्शाने वाला बोर्ड होता है जिसमें उस बोर्ड में 1 से 5 नंबर तक के अंक नंबर तक के होते हैं जिसकी लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। टीम की फाउल को दर्शाने वाला बोर्ड होता है एक जिसमें जिसकी लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई जो है जिसमें से 20 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 35 सेंटीमीटर वो लंबा होता है। तो दोस्तों ये था आज का बास्केटबॉल गेम के वो सभी इम्पोर्टेंट मेजरमेंट जो आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि ये मेजरमेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड अन्य टॉपिक मैं लाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक मेरे वीडियो में नहीं आएगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।